हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो एक ईयरबड्स है जो फिंगर्स की तरफ से आते हैं। तो कुछ इस तरीके का आपको उसका बॉक्स देखने को मिल जाता है, फुल वाइट कलर में बॉक्स आता है और आपको साइड कॉर्नर में फिंगर्स की ब्रांडिंग लिखी हुई दिख जाएगी। उसी के नीचे साइड में एक बॉल बनी हुई है और उसी के नीचे यॉर्कर लिखा हुआ है जो इस ईयरबड्स का नाम है। उसके सीधा अगर हम बॉक्स को ओपन करें तो सबसे पहले आपको अपने ईयरबड्स देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आपको एक फोम हटाएंगे, उसके नीचे एक लेड हटाएंगे, सबसे पहले आपको टाइप सी केबल देखने को मिल जाती है। उसी के नीचे आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने को मिल जाते हैं, अपने ईयर साइज़ के हिसाब से 1 ईयर का वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है। और लास्ट में आपको गाइड देखने को मिल जाती है जिसके अंदर प्रोडक्ट के बारे में सारी आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। अब सीधा हम हमारे प्रोडक्ट की बात करें तो आपको कुछ फुल बॉल के शेप का जैसा दिखता है, बॉल दिखती है पूरी एक छोटी सी, और सबसे पहले फ्रंट पे फिंगर्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और उसकी जब साइड्स देखेंगे तो जैसे बॉल में स्टिचेस लगे हुए आते हैं ना, उसी तरीके की इसमें डिज़ाइन बनाई हुई है। और बैक साइड में आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है और लाइट इंडिकेशन देखने को मिल जाता है। और इसके अंदर आपको एक स्ट्रैप देखने को मिल जाता है, तो आप इसको एज ए किचन भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें चाबी में लगा सकते हैं या फिर किसी भी चीज़ पे लगा के ये काफ़ी कूल लगता है एज ए किचन अगर यूज़ करेंगे। इसको ओपन करने के लिए आपको एक छोटे से हिंज दिखती है वहाँ पर, जो आप जैसे उसको पुल करेंगे तो ये ओपन हो जाता है। इसमें आपको मैग्नेटिक भी मिल जाता है, तो काफ़ी सही क्वालिटी लगी मुझे इसकी। तो ये अपने ईयरबड्स की बात करें तो बैक साइड में आपको लाइट इंडिकेशन और उसी के ऊपर टच सेंसर देखने को मिल जाता है। उसी के बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको नीचे R लिखा हुआ दिख जाता है और लेफ्ट वाले में L लिखा हुआ दिख जाता है। उसके बाद आप देखेंगे तो ऊपर चार्जिंग के दिख जाते हैं 2 सॉकेट और उसी के ऊपर आपको 10 mAh के अपने ड्राइवर देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें इसके की स्पेक्स के बारे में तो इसके अंदर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.1 देखने को मिल जाता है, 10 mAh के ड्राइवर्स देखने को मिल जाता है। बैटरी इसके अंदर आपको केस के अंदर 300 mAh की देखने को मिल जाती है और जो अपने ईयरबड्स आते हैं उसके अंदर 25 mAh की देखने को मिल जाती है। इसका प्लेबैक टाइम 17.5 आवर्स आपको देखने को मिल जाता है जो केस के साथ में। अब हम बात करते हैं हमारे इस डिवाइस को अपने फ़ोन से कनेक्ट कैसे करना है। तो आपको उसके कनेक्ट करने के लिए आपको पहले तो इसकी लिड ओपन करना पड़ेगी। और होता क्या है ना, बाकी प्रोडक्ट्स में ऐसा होता है कि आप सीधा लिड ओपन करते हैं तो आपको वो कनेक्ट कर सकते हो, पर इसके अंदर आपको जो अपने दोनों ईयरबड्स हैं उनको भी बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे देख सकते हैं मैंने बाहर निकाल दिए। फिर जैसे आप अपने फ़ोन में आकर अपना ब्लूटूथ ऑन करेंगे तो ये आपको स्कैन करता हुआ दिख जाएगा। फिर आप देख सकते हैं आपको फिंगर्स यॉर्कर के नाम से इसका जो नाम है जाएगा ब्लूटूथ पे, वो नाम आ जाएगा। तो अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो पहले आपको नीचे पेयरिंग लिखा हुआ आता है, मतलब अभी प्रोसेस में चल रहा है। पर ये मुझे क्या थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, कुडंट कनेक्ट बता रहा था कि एक बार में कनेक्ट नहीं हो पाया, तो मैंने दूसरी बार में ट्राई करा तो हो गया। फिर वापस एक पेयरिंग का ऑप्शन आता है, अब जैसे उस पर पेयरिंग पे करेंगे तो ये सीधा आपके डिवाइस कनेक्ट हो जाता है और इसके अंदर आपको बैटरी परसेंटेज भी देखने को मिल जाता है। अब हम बात करें इसके बटन फंक्शंस के बारे में। तो इसके बटन फंक्शंस आप जैसे इसमें एक बार क्लिक करते हैं तो आपका जो म्यूज़िक वो प्ले और पॉज हो जाता है, और उसी टाइम अगर आपको जब म्यूज़िक उसको फॉरवर्ड करना है तो उसमें डबल प्रेस करेंगे तो फॉरवर्ड हो जाएगा, और बैकवर्ड के लिए लेफ्ट वाले से बैकवर्ड होगा। और उसी टाइम अगर आप चाहते हैं अपना जो भी असिस्टेंट है गूगल बिक्सबी सीरी उसको वेक करना, तो कोई सी भी एक ईयरबड्स को आपको 1 से 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना पड़ेगा, तो जो भी आपका असिस्टेंट होगा वो उसी टाइम पर वेक हो जाएगा। अब हम बात करें साउंड क्वालिटी के बारे में। तो इसके अंदर आपको 10 mAh के ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं जो काफ़ी अच्छा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और मैंने आप लोगों के लिए टेस्ट भी कर दिया है कि ये ईयरबड्स किस टाइप का साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो आप एक बार उस पर भी नज़र डाल लो। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस या क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप फ्यूचर में और ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।